नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जगत राम की चतुराई। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजा राम देवराय को अपने सभी सभासदों में जगत राम खास पसंद थे, इसलिए वह उन्हें हमेशा अपने साथ रखते। यहाँ तक कि जब वह देश विदेश की यात्रा पर भी जाते तो जगत राम को अपने साथ लेकर जाते थे। जगत राम से राजा का विशेष लगाव उस सभासदों को अच्छा नहीं लगता था। वे मन ही मन उससे ईर्ष्या करते थे और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते। एक बार राजा रामदेव ने जगन्नाथपुरी की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। अपने महामंत्री और मुख्य सचिव को उन्होंने राज्य कार्य संबंधी विशेष निर्देश दिए और जगत राम को अपने साथ यात्रा पर चलने के लिए कहा। तभी एक दरबारी ने उनसे कहा, महाराज, आप जब भी यात्रा पर जाते हैं हमेशा जगत राम को ही साथ लेकर जाते हैं, और भी मंत्री हैं, इसलिए आपको दूसरे सभासदों को भी कभी कभार अपने साथ चलने का मौका देना चाहिए। राजा ने जगत राम की ओर देखा और उसकी मौन स्वीकृति पाकर उन्होंने दरबारी की बात मान ली। इसलिए जगन्नाथपुरी जाने के लिए राजा रामदेव ने जगत राम के स्थान पर अपने दो अन्य सभासदों को साथ चलने के लिए कहा। राजा रामदेव ने भी राजसी पोशाक त्याग कर साधारण लोगों की तरह कपड़े पहन लिए ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। वे जब भी यात्रा के लिए निकलते थे तो इसी तरह के वेश बदल लेते थे ताकि वह आसानी से प्रजा में घुल मिल जाए और उनके दुख सुख से परिचित हो सके। वे अंधेरे में ही महल से निकले थे और चलते चलते दोपहर आ गई। रास्ते में एक गांव पड़ा तो राजा ने अपने मंत्रियों को वहां रुककर कुछ देर विश्राम करने का आदेश दिया। पास ही गांव की चौपाल थी, वहां दो चार बुजुर्ग बैठकर ताश खेलते हुए बातें कर रहे थे। राजा ने वहां पहुंचकर एक बुजुर्ग से कहा, महाशय, हम लोग राहगीर हैं, क्योंकि धूप काफी चढ़ाई है इसलिए हम कुछ पल के लिए यहाँ रुक गए हैं। क्या हमें पानी पीने के लिए मिल सकता है? क्यों नहीं, हमारा अहोभाग्य कि आप हमारे गांव में रुके हैं। फिर वृद्ध ने पास रखे घड़े से उन्हें लोटा भरकर पानी दिया। पानी पीने के बाद राजा ने उन लोगों से पूछा, महाशय, तो आपके गांव में लहलहाते खेत और आप लोगों के चेहरे पर छाए सुकून से लगता है कि आपका गांव बहुत खुशहाल है। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आपको अपने राजा से कोई शिकायत तो नहीं है? राहगीर का प्रश्न सुनकर वृद्ध को लगा कि हो सकता है यह कोई राज कर्मचारी हो, इसलिए राजा के खिलाफ तो हरगिज से नहीं बोलना चाहिए। इसलिए उसने बताया, हमारे राजा हमारा पूरा ध्यान रखते हैं और हम दिन भर मेहनत करते हैं और रात को शांति से सोते हैं। वृद्ध का उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गए और जोश में आकर उन्होंने दूसरा प्रश्न कर दिया, महाशय, आपके गांव वाले अपने राजा के बारे में क्या सोचते हैं? राजा का प्रश्न सुनकर पास बैठा एक किसान उठा और समीप के खेत से एक गन्ना तोड़ लाया। उसे दिखाते हुए बोला, हमारे राजा रामदेव राय इस गन्ने की तरह हैं। राजा रामदेव को समझ नहीं आया कि वह उनकी तुलना उस गन्ने से क्यों कर रहा है। जब काफी सोचने पर भी उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि किसान के कहने का मतलब क्या है, तो राजा ने अपने साथ आए दरबारी से पूछा, किसान की बात का क्या अर्थ है? एक मंत्री बोला, महाराज, यह किसान कहना चाहता है कि आप गन्ने की तरह कमजोर हैं और कोई भी आपको युद्ध में हरा सकता है।
मंत्री द्वारा बताई व्याख्या सुनकर राजा क्रोधित हो उठे और उस किसान से बोले, तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें इस धृष्टता की सजा दी जाएगी। तभी वहां एक व्यक्ति आ पहुंचा। वह बोला, महाराज, मैं आपको पहचान गया हूँ। आप हमारे राजा रामदेव राय हैं। बीच में बोलने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु आपके मंत्री ने किसान की बात की गलत व्याख्या की है। किसान के कहने का अर्थ था कि आप अपनी प्रजा के साथ बहुत ही मधुर व्यवहार रखने वाले और सरल हृदयी हैं, लेकिन अपने शत्रुओं के लिए कठोर हैं। किसान प्रसन्न होकर बोला, हाँ महाराज, मेरे कहने का आशय यही था, परंतु आपके मंत्री मेरी बात को समझ नहीं पाए और उन्होंने इसका मनगढ़ंत अर्थ निकाल लिया। आप ही बताएं महाराज, मैं अपने राजा का अपमान करने का साहस कैसे कर सकता हूँ? राजा बोले, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वरन मेरे मंत्री ने ही अर्थ का अनर्थ कर दिया था, जिससे मुझे क्रोध आ गया। फिर वह उस युवक की ओर मुड़े जिसने उन्हें किसान की बात का सही अर्थ बताया था। उन्होंने पूछा, युवक, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं नहीं जानता था कि मेरे राज्य में तुम्हारे जैसे बुद्धिमान और होशियार लोग भी रहते हैं। तुम्हें तो मेरा सभासद होना चाहिए। मैं आपका सभासद ही हूँ महाराज। यह कहकर जगत राम ने सिर से पगड़ी और कंधे से अंगोछा उतार दिया। अरे जगत राम, तुम कब आए? क्या तुम हमारा पीछा कर रहे थे? राजा ने हैरान होकर पूछा। गुस्ताखी माफ करें महाराज, परंतु यदि मैं आपके पीछे पीछे यहाँ तक ना आता तो एक बेगुनाह आदमी का जीवन संकट में पड़ जाता, जगत राम ने कहा। राजा ने जगत राम की बात से सहमति जताई और बोले, वाकई जगत राम, तुमने यहाँ आकर मुझे एक पाप करने से बचा लिया है। उनके साथ आए दोनों मंत्री शर्म से जमीन पर गड़े जा रहे थे। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।